भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड इवनिंग, वाहे गुरु। यूट्यूब चैनल राज टीवी इंडिया में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है, मोस्ट वेलकम है। दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। हमारे बेहतरीन रिच पर्यटन शहर बूंदी में आज तारीख 19 मार्च 2023 को यूनाइटेड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन सोसाइटी यूडी की ओर से शहर के फर्राशों का तकिया मनोहर बावड़ी बूंदी में एक चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस मेडिकल कैंप में डॉक्टर जुनैद अख्तर साहब, डॉक्टर जीशान सिद्दीकी साहब और डॉक्टर हिना बेलिम जी ने रोगियों को निशुल्क परामर्श दिया। पॉलीक्लिनिक सिटी हॉस्पिटल की तरफ से ब्लड शुगर की निशुल्क जांच की गई। कैंप में बीपी भी चेक किया गया। यूडी मेंबर अनवार अहमद शेख ने बताया कि इस निशुल्क जनहित मेडिकल कैंप में 125 व्यक्तियों ने लाभ लिया। यूडी फाउंडर मुफ्ती आलम रज़ा गौरी साहब ने आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहने की बात कही और अपने इस पॉजिटिव सोशल मिशन के लिए मुस्तकबिल भविष्य में दृढ़ संकल्पित हैं। कैंप में यूडी मेंबर्स की हौसला अफजाई और जन आशीर्वाद के लिए खसूसी मेहमान तशरीफ़ लाए। हुज आर फॉलोइंग श्री भरत शर्मा जी, पीसीसी के पूर्व सचिव और मेला प्राधिकरण राज्य सरकार में सदस्य श्री लटूर भाई साहब, बूंदी नगर परिषद उपसभापति हाजी नूरुद्दीन साहब, तहजीबी स्पीच के माहिर पूर्व सभापति एवं पार्षद श्री महमूद अली साहब, सेवा दल पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अनीस अहमद शेख साहब, एकीकृत जिला अध्यक्ष। सभी बीमारों का मैं सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इमाम इश्क मोहम्मद फरमाते हैं कि वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वह कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वह जर्रा तेरा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि मालिक के हबीब, यानी महबूब महिब नहीं तेरा मेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो सभी मेहमान खास का मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और हमारी टीम के जो कप्तान हैं, और बेहतरीन तरीके से किसी ने कहा कि जब कप्तान अच्छा हो तो टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है, मैं हमारे शख्सियत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आलम रज़ा गौरी शादी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, मैं नायब सदर रियाज साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत का वो गुलपोशी से इस्तकबाल करें जो कौम को आगे बढ़ाना चाहती है, कौम के हर तबके को, हर तबके को, वंचित लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुफ्ती साहब का गुलपोशी से इस्तकबाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी नीदा फाज में एक अक्षर मुझे याद आता है कि मोहब्बत लगाया जाए, मोहब्बत का एक ऐसा सजा लगाया जाए जिसका हम साए के आंगन में भी साया जाए। आप सभी लोगों का इस्तकबाल, खैर मकदम, आप तशरीफ़ लाए और आपने यूडी परिवार को हिम्मत दी, आप सभी का। मैं भाई साहब से कहूँगा कि आप भी कुछ अपने ख्याल इजहार करें, आप तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी की बात है। आज आप लोगों ने जो अभी बताया कि यूडी परिवार जो समाज सेवा का कार्य कर रहा है, गरीब पिछड़ा वंचित हर वर्ग को साथ लेकर चल रहा है, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है, मैं आप सभी का हृदय के गहन तल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस तरह का समाज सेवा का काम कर रहे हैं। इसमें अगर कहीं ना कहीं हमें भी सेवा का मौका मिले तो आप हमें भी साथ लेकर सदैव। बहुत बढ़िया।
ऑनवर्ड। श्री अनीस अहमद शेख साहब, एकीकृत महासंघ जिला अध्यक्ष, जनाब मौलाना गुलाम गौस साहब, शहर काजी बूंदी, श्री मुकेश जी जिला प्रवक्ता, श्री एजाज अली साहब यूडी सेक्रेटरी, श्री रियाज हनफी साहब नायब सदर, मोहम्मद वसीम साहब वार्ड पार्षद, हाजी गयासुद्दीन साहब रिटायर्ड बैंक मैनेजर साहब, इसके अलावा जिन भाइयों ने यूडी के इस मेडिकल कैंप को सपोर्ट किया उनके इस्म शरीफ इस तरह हैं: मोहम्मद इरफान साहब, मोहम्मद अहमद साहब, रईस अहमद साहब, मोहम्मद शहजाद साहब, मोहम्मद इसरान साहब, महमूद अहमद साहब, जाकिर हुसैन साहब, जाहिद जीलानी साहब, खतीबुर रहमान साहब। एक मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम करना चाहती है, क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि सारी जरा भी साथ दें तो और बात है, वो जो जरा भी साथ दें तो और बात है, चलने को तो लोग एक पाँव से भी चल लेते हैं लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए यूडीए काम कर रही है और चाहते हैं कि बूंदी में जो दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग है उनके लिए समय समय पर इस तरह से मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी लगाते जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन के फील्ड में समर कैंप के माध्यम से और बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से यूडी समाज में जागरूकता का काम कर रही है और चाहती है कि जो बूंदी जो कौमी एकता का प्रतीक है और जहां पर गंगा जमुना तेजी बहती है वहां पर इस तरह के प्रोग्राम होते रहे ताकि आपसी भाईचारा, सौहार्द, प्रेम और विश्वास बना रहे और सभी समाज के लोग एक प्यार मोहब्बत के साथ जो गंगा जमुना की तेजी हमारे पूर्वजों ने करी थी उसके आधार पर चलता रहे। तो हमारे जो यूडी के नायब सदर है आली जनाब रियाजुद्दीन साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे जो मेहमान खास है जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है परेश शर्मा जी, उनका गुरुकोशी से इस्तकबाल करें। गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में सवाल है उनका भी इस्तकबाल करें। मैं अंजार साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे बीच में मशहूर और मारूफ एडवोकेट और पूर्व वार्ड मेंबर हाजी नूरुद्दीन जी साहब की तशरीफ फरमाए, उनका भी गुलपोशी से इस्तकबाल करें। हमारे बीच में खतीब इमाम फराशान तकिया मस्जिद मौलाना गुलाम गौस साहब यहां पर तशरीफ फरमाए, मैं रियाज साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि उनका भी गुलपोशी से इस्तकबाल करें। मैं जाकिर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे बीच में रिटायर्ड बैंक मैनेजर और अर्बन बैंक के सदस्य हाजी गयासुद्दीन जी तशरीफ फरमाए, उनका गुलपोशी से इस्तकबाल करें। कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष और समाज के हर काम में आगे रहने वाले आली जनाब महमूद अली जी, रियाज साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि महमूद अली जी का भी गुलपोशी से इस्तकबाल करें और यूडी के काम में हमारे बीच में मुकेश जी जो कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता है, एजाज साहब से मैं गुजारिश करूंगा उनका गुलपोशी से इस्तकबाल करें और हमारे हर काम में साथ देने वाले हमारे बड़े भाई एडवोकेट आली जनाब वसीम साहब जो हर काम में आगे रहते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि रियाज साहब से उनका गुलपोशी से इस्तकबाल करें। हमारे बीच में मोड़ीपाड़ा के जो वार्ड मेंबर है और यूडी के और समाज के काम में आगे रहते हैं इधर और हर काम में बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, जनाब संजय खान साहब, मोहम्मद रेहान साहब, आवेश खान साहब, मुशर्रफ अली साहब, साजिद हुसैन साहब, मोहम्मद अंजार साहब, मोहम्मद सलीम साहब,
नासिर मुल्तानी साहब, शाहरुख साहब, मुस्तकीम बैलिम साहब और इस तरह से बूंदी शहर के फर्राशों के तके में यूडी परिवार की तरफ से